धरती के 70% भाग पर पानी है और इस पानी में ऐसे आश्चर्यजनक चीजों की खोज हुई है जिसे देख आप चौंक जाओगे। तो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सन 2000 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने समुद्र में डूबी इजिप्शियन सिटी की खोज की और इस सिटी का नाम हेरेक्लियन था। यहाँ उन्हें बड़ी बड़ी विशाल कायें मम्मीज की मूर्तियाँ भी मिली और बड़ी बड़ी दीवारें जिन पर उनके इतिहास का वर्णन किया था, और साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर सोने के सिक्के यानी कि स्वर्ण मुद्राएँ भी मिली। ऐसा बताया जाता है कि इजिप्शियन सिटी एक प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में समा गई। एक अगस्त 2010 में साइंटिस्ट ने समुद्र के खारे पानी में मीठे पानी वाली नदी की खोज की। मजेदार बात तो यह है कि इस नदी के खुद के झरने, पेड़ और पत्तियां भी हैं और अंदर मानो एक अलग ही दुनिया है। और अगर यह नदी जमीन पर होती तो यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी होती। तो क्या आप इस नदी को देखना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द पिरामिड ऑफ योनागनी। समुद्र में समा चुके इस पिरामिड की खोज जापान के गोताखोरों ने की। वहां पर बहुत ही सारे पत्थर थे जिन्हें तराश कर इंसानी चेहरा बनाया गया था। यह पिरामिड बहुत ही विशाल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पिरामिड की एक सीढ़ी की लंबाई लगभग 3 से 4 फीट थी। तो आप सोच सकते हैं ये पिरामिड कितना बड़ा होगा जो समुद्र में समा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह पिरामिड 10,000 साल पुराना है और यह बहुत ही तीव्र भूकंप के कारण समुद्र में समा गया। स्वीडिश गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में एक 60 मीटर चौड़ी यूएफओ जैसी दिखने वाली चीज की खोज की। उन्होंने बताया कि वहां पर उनके इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काम करना बंद कर दे रहे थे। जब इसे पहली बार देखा गया था तो ये कुछ इस तरह दिखता था। कहा जाता है कि शायद ये यूएफओ एक क्रैश लैंडिंग के कारण समुद्र में समा गए। द टाइटैनिक। जी हाँ, आपने सही सुना, वही विशालकाय टाइटैनिक जहाज जो बर्फ के ग्लेशियर से टकरा कर समुद्र में डूब गया था। और इस जहाज का पता 1985 तक नहीं चला था। फिर इस विशालकाय टाइटैनिक जहाज की जब खोज हुई तब यह जहाज समुद्र के 12,400 फीट अंदर से मिला। सच में यार, ये बहुत ही बड़ा जहाज था और इस जहाज के डूबने की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई। अंडरवाटर स्कल्पचर पार्क। विश्व का पहला अंडरवाटर स्कल्पचर पार्क स्थित है कैरिबियन सी के पश्चिमी कनाडा में और इसके मुख्य निर्माता है जेसन डिक्रेस टाइलर। और यह पार्क मुख्य रूप से लोगों के लिए खुला है। इस पार्क में लोगों की आम जिंदगी को दर्शाया गया है और इस पार्क में मूर्तियां एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े हैं जो लोगों में एकता दर्शाता है। और इसमें एक आदमी अपने टेबल पर बैठकर टाइपराइटिंग कर रहा होता है तो वहीं एक आदमी साइकिल चला रहा होता है। साथ ही साथ एक मोटा आदमी अपने सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तो दोस्तों, आप इस स्कल्पचर पार्क में जाना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में बताना।